हेलो एवरीवन, वेलकम टू पालवेज किचन एंड क्राफ्ट। आज हम देखने वाले हैं हलवाई स्टाइल खस्ता कचौरी घर पे कैसे बनाते हैं। ये कचौरी की जो स्टफिंग है वो है मूंग दाल से भरी हुई और बहुत ही बेहतरीन क्रिस्प है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और करारी बनी हुई है हमारी कचौरी। कचौरियाँ जितनी खस्ता हो उतनी ही उसकी जो स्टफिंग होती है वो डिलीशियस होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है उसे खट्टी मीठी चटनी के साथ खाने का। रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नई रेसिपी अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन आए। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने आधा कप मूंग की दाल ली है जिसे हम 2 घंटे भिगो के रखेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप मैदा लिया है, स्वाद के अनुसार उसमें नमक डाला है और चुटकी भर बेकिंग सोडा डाला है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे ऑयल। 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल यहाँ पे हम डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ध्यान में रखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और ऑयल जो हमने ऐड किया है वो नॉर्मल टेम्परेचर का है, उसे गर्म करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से हम इसे अब हाथों से मसल मसल के उसे मिक्स करेंगे। ये देखिए ये बाइंडिंग कंसिस्टेंसी हमें मिल चुकी है। अब हम इसका डाव बनाते हैं। उसके लिए आधा कप पानी लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और इसका अब डाव बना लेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी हमें ऐड करना है और ये देखिए हमारा डाव रेडी हो चुका है। इसे अब हम ढक के 1 घंटे के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग तैयार करते हैं। तो भिगोई हुई दाल को हमने रफली ग्राइंड किया है। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है जिसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया के बीज लिए हैं, सौंफ ली है 1 चम्मच और जीरा लिया है 1 चम्मच। इसे अब हमें अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि वो खुशबू नहीं आती है तब तक, और भूनने के बाद इसे हम रफली ग्राइंड करके साइड में रख देंगे। सेम पैन में हमने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है। तेल गर्म हो जाएगा फिर रफली ग्राइंड करा हुआ ये पाउडर डालेंगे, साथ में ही थोड़ा सा हींग डालेंगे और इसे अब रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और ड्राई मैंगो पाउडर डाला है हमने 1 चम्मच। इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम लो पे करेंगे और अभी रफली ग्राइंड करा हुआ मूंग दाल का जो पेस्ट था वो डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर इसमें डालेंगे बेसन का आटा 2 चम्मच और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच शुगर ऐड करी है और इसे मिक्स करेंगे। कुछ देर ऐसे ही भूनने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। 1 घंटे के बाद हमारा डव भी तैयार है। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके पोर्शंस बना लेते हैं। 1 कप में कम से कम 5 से 6 कचौरियाँ आसानी से बन जाती है। इसे 5 से 6 छोटे छोटे गोलों में डिवाइड करेंगे, फिर 1-1 गोला लेके इस तरह से कटोरी का उसका आकार देंगे बिल्कुल इस तरीके से, और अब इसके अंदर हम बनाया हुआ जो स्टफिंग है वो भरेंगे ठंडा होने के बाद। अब इसमें जितना स्टफिंग हम भर पाए उतना स्टफिंग यहाँ पे भर लेंगे और अब इसे सील करेंगे। इसे पूरी तरह से सील करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए चुटकी की मदद से पहले तो हम ऐसे दबा के इसे पूरा सील कर देंगे और फिर इस तरह से इसे गोल गोल घुमाते हुए वापस बॉल जैसा आकार दे देंगे। अब हाथों की मदद से ऐसे इसे दबा देंगे ताकि जो उसमें स्टफिंग भरा है वो स्प्रेड हो जाए। इसी तरह से हम बाकी सारे जो बॉल बनाए हुए हैं उनकी कचौरियाँ बना लेते हैं। अब स्टफ करी हुई कचौरियों को हम बेलने वाले हैं बेलन की मदद से। तो हल्के हाथ से इसे दबाना है और पूरी जैसा आकार देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है। तो ये देखिए मीडियम साइज की हमने सारी कचौरियाँ भी ऐसे ही बेलनी है और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसे तलने वाले हैं।
तेल को हम लो फ्लेम के ऊपर ही गरम करेंगे और उसके बाद उसमें कचौरियाँ डाल देंगे। हल्के हाथ से हमें इसे स्लाइड इन करना है, नहीं तो तेल उड़ सकता है। दोनों साइड से अब लो फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करना है। एक पैन में या एक कढ़ाई में जितनी कचौरियाँ आप तल पाए एक बार में उतना अच्छा है, क्योंकि इसे तलने के लिए बहुत टाइम लगता है, जो कि हम लो फ्लेम पे ही इसे तलने वाले हैं। तो ये देखिए, दो कचौरियाँ मैंने डाली हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कचौरियाँ के जो एजेस है वो फ्राई नहीं होते हैं अच्छे से। पूरी कचौरी फ्राई हो जाती है लेकिन फूलने के बाद वो ऊपर तैरती है। तो इस तरह से हम ऊपर स्पून रखेंगे ताकि उसके दबाव से कचौरियाँ नीचे डूब जाए और वो जो पोर्शन है कचौरी का साइड के एजेस वो भी फ्राई हो जाए। पूरी तरह से कचौरियाँ गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे निकाल लेंगे और हमारी गरम गरम खस्ता कचौरी बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट रेसिपी पे मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। बाय।